हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मिस्टर ऋतिक कपूर। यार नाम चेंज करो, ये डेली डेली ऋतिक कपूर के साथ मैं मजा नहीं आता। तो पिछली बार मैंने बोला था मैं अपना नाम प्रिय रख लेता हूं, आज मुस्कान रख लूं, बेटर है। हाय मुस्कान, कैसी हो? आई एम फाइन। जय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 13 की मुस्कान के साथ और आप सभी लोगों के साथ भी ऑफ कोर्स। और मैच नंबर 13 है डीसी वर्सेस सीएसके, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि एमएस धोनी और ऋषभ पंत आमने सामने देखने वाले हैं। यार मजा आएगा और राइवलरी नहीं दिखती यहाँ पे दिखता है ब्रदरहुड या टीचर स्टूडेंट भी कह सकते हो, मेंटर स्टूडेंट भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ऋषभ पंत और एमएस धोनी को जब साथ में देखेंगे तो मजा अलग आता है यार। और आज इसी मैच के बारे में बात करेंगे और ये मैच हो रहा है वाइजैग के मैदान में और क्या क्या यहाँ के ओवरऑल स्टैट्स रहते हैं सब चीजें बात करेंगे हम। और उसके बाद बात करेंगे क्या क्लासिक फैंटेसी टीम बना सकते हैं और क्या क्या आप फैंटेसी गेम्स खेल सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जानकारी सेगमेंट की तरफ। तो जानकारी सेगमेंट से पहले मैं पहला गेयर डाल देता हूँ, जानकारी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, तो वाइजैग की जो पिच है वैसे तो बैटिंग फ्रेंडली है पूरे तरीके से, पर लेकिन सेकंड इनिंग्स में यहाँ पर ड्यू भी आ जाता है, इस वजह से चेज करना टीम्स जो है प्रेफर करती हैं पूरे तरीके से। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैटिंग पैराडाइज रहने वाला है, पर मेरे हिसाब से जब पिच बनेगी यानी कि जब पिच तैयार होगी इस मुकाबले के लिए सीएसके वैसे डीसी, तो थोड़ा बहुत मैं सोच रहा हूं कि स्पिनर्स के लिए भी रूम होगा, स्लोअर गेंदबाजी के लिए भी रूम होगा थोड़ा। बिल्कुल होगा, शुरुआत में बल्लेबाजी बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है क्रिकेट में, मेरे को भी ये लगता है ऋतिक। और इसके साथ साथ अब चलते हैं हम हेड टू हेड की तरफ। हेड टू हेड बहुत ज्यादा पलड़ा भारी भाई सीएसके का, क्योंकि टोटल इन दोनों के बीच में 29 मैच हुए हैं यानी 29 और सीएसके के पक्ष में 19 मैच, डीसी के पक्ष में सिर्फ 10 मैच। ताला फॉर अ रीजन, हमेशा से ताला फॉर अ रीजन है और क्या यहां पर भी होगा वो एक सवाल रहेगा, मैच में पता चली जाएगा। और इसके साथ साथ अगला स्टार्टअप क्या बताने वाले हो आप? अगला वेन्यू के बारे में बता देता हूँ एक बारी, क्योंकि देखिए आईपीएल का एक भी मुकाबला पहले हुआ नहीं है यहाँ पर। तो T20 हम स्टार्ट बता देते हैं, टोटल T20 मुकाबले यहाँ पर 4 हुए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 1 मुकाबला जीता और सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने यानी चेज करने वाली टीम ने 3 मुकाबले जीते। तो मतलब चेस करना यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगा कहीं ना कहीं, ऋतिक मेरे को ऐसा लग रहा है। और बैटिंग विकेट है, रन तो पहले इनिंग में बनेंगे और दूसरी इनिंग में भी बन ही जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो टीम्स है वो शायद से चेस करने के लिए देखेंगे। और जैसा आपने ड्यू फैक्टर बताया है तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा, बिकॉज बाद में अगर गेंद स्किड हो रही है तो आपके बल्ले बहुत अच्छे से आएगी तो आप रन आराम से बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अब चलते हैं हम प्रोबेबल 11 की तरफ। ऋतिक कौन सी टीम के बारे में बताओगे? फिर से मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ, सीएसके सेफ साइड। चलो बता दो तो सीएसके की प्रोबेबल 11। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डैरल मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी, महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपर, दीपक चहर, तुषार देशपांडे और मुस्ताफिजुर रहमान। तो हमारी मुस्कान ऋतिक ने बता दिया है यहाँ पे कि भाई क्या सीएसके की प्रोबेबल 11 हो सकती है। अब हम बताएंगे आपको दिल्ली कैपिटल्स की प्रोबेबल 11 कैसी दिखती है। दिल्ली की टीम में होंगे डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, रिकी भुई, ऋषभ पंत, क्रिस्टियन स्टब्स, अक्षर पटेल, सुमित कुमार, कुलदीप यादव, ऑनरिक नोकिया, खलील अहमद एंड मुकेश कुमार। तो ये दोनों टीमों की प्रोबेबल 11। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आज के बाजीगर। जी हाँ, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिक फैंटेसी की जो आप स्पोर्ट्स बाजी की प्लेटफॉर्म पे जाके बना सकते हैं। तो ऋतिक ओवर टू यू, बताओ हमारी जनता को। ओवर टू मी, तो मैं बता देता हूँ सीएसके वर्सेस डीसी मुकाबले की क्लासिक फैंटेसी। विकेट कीपर्स में ऋषभ पंत, बैटर्स में डेविड वार्नर, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और रचिन रविंद्र, ऑलराउंडर्स में मिचेल मार्श, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और डैरल मिचेल, बॉलर्स में कुलदीप यादव और एनरिक नोरकिया, वाइस कैप्टन रहेंगे मिचेल मार्श और कैप्टन रहेंगे रचिन रविंद्र। तो जय, खैर फैंटेसी हो गई यानी क्लासिक फैंटेसी हो गई। और पर एक सवाल आया, जैसे ही मैंने फैंटेसी बताई वैसे ही दिमाग में मेरे एक सवाल आ गया। वो सवाल ये है कि मान लो मेरा जो कैप्टन मैंने चूज किए हैं या अन्य प्लेयर्स हैं बाकी ओवरऑल या वाइस कैप्टन परफॉर्म मेरे नहीं कर पाते, फिर जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास सॉल्यूशन इसका भी है। आप जाके ना स्टॉक्स ले सकते हैं उसी पर्टिकुलर प्लेयर के जहां पे आपको लग रहा है कि ये पोटेंशियली इस बार शायद से परफॉर्म ना कर पाए, चाहे वो आपका कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, कोई पर्टिकुलर प्लेयर भी है, तो आप जाके उनका स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन वो शॉर्ट में आपको खरीदना है, शॉर्ट अमाउंट जो भी होगी उनकी होगी उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देना, ताकि जो ओवरऑल आपका लॉस है वो थोड़ा सा रिकवर भी हो सकता है और उसके साथ साथ वो बैलेंस आउट भी हो सकता है। तो रिस्क जो है वो थोड़ा और कम हो जाएगा इस चीज के साथ और आप बड़े आराम से और खेल सकते हैं गेम्स। अच्छा चलो, मान लो मैं टीम बना रहा हूँ, फैंटेसी टीम बना रहा हूँ और मुझे दिमाग में डाउट आ रहा है कि भाई मेरे प्लेयर परफॉर्म आने वाले टाइम में नहीं करेंगे, फिर मैं क्या करूंगा दोबारा? तो जस्ट इन केस अगर ऐसा लगता है आपको, ऋतिक बहुत अच्छा सवाल है, तो जस्ट इन केस ऐसा लगता है तो आप फर्स्ट इनिंग्स के बाद एक और टीम बना सकते हैं, क्योंकि लाइफ आपको सेकंड चांस देना दे, स्पोर्ट्स बाजी आपको सेकंड चांस देती है और वहां पर जाकर आप सेकंड इनिंग्स की अपनी टीम बना सकते हैं, फैंटेसी टीम बना सकते हैं और वहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन जैसे आप फर्स्ट इनिंग्स के लिए बनाते हो, क्लासिक बनाते हो, पूरी क्लासिक फैंटेसी वैसे ही बनाना है
और आपका जो ओवरऑल पिछली जो टीम का स्कोर होगा उसको छोड़ते हुए आप अगली टीम के स्कोर पे ज्यादा फोकस करें और वहां पे भी आप बहुत सारा अपना जो रिस्क है वो ओवरऑल बैलेंस आउट कर सकते हैं, तो इस तरह से आप वहां से भी बचाव कर सकते हैं। अब आगे समझ, तो अब ये इनको तो समझ में आ गया, और इसके साथ साथ इनको एक और चीज बताते हैं और आप लोगों को बताते हैं, वो ये है कि आप कैसे स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पर लाइव खेलते खेलते रियल कैश जीत सकते हैं। जी हाँ, स्पोर्ट्स बाजी के स्टैट प्रो पे जाके आप लाइव कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, लाइव सवालों का जवाब दे सकते हैं, जब मैच चल रहा होगा डायनामिकली चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, आपके पास वहां पर सवाल आते हैं और आपको अपना दिल दिमाग और डेटा लगाना होता है इन सवालों का जवाब देने के लिए। जो आप एनालिसिस करते हैं उसके बदले में अगर आपको कोई रिटर्न मिल जाए तो क्या गलत है? जो आप टपरी में बैठ के हम लोग चाय पीते पीते एनालिसिस करते हैं या खाना खाते हुए एनालिसिस करते हैं कि आज ये प्लेयर खेल सकता है, वो प्लेयर खेल सकता है, ये विकेट्स लेगा, इन सब का एनालिसिस अगर आप कर सकते हैं और वहां पर आपको रिटर्न मिल जाए, आपका एक मतलब साइड इनकम हो जाए, तो क्या दिक्कत क्या है ना? तो यही करना है आपको स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे जाके, और इस मैच में कैसे करना है आपको मैं वो बताता हूँ। तो अब हम बात करेंगे इस मैच के स्टैट्स प्रो के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे आप देखोगे स्टैट्स प्रो पे क्लिक करके, तो ये आएगा दिल्ली टू विन T20 मैच अगेंस्ट चेन्नई। क्या आपको लगता है या नहीं लगता है? क्योंकि हमने ज्ञानकारी सेगमेंट में बात की है कि भाई चेन्नई का पलड़ा कितना भारी है, तो अगर आपको लगता है कि चेन्नई जीत जाएगी तो यस, दिल्ली जीत जाएगी तो यस, या नो, जो भी आपका ओपिनियन है वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सवाल है दिल्ली टू विन T20 मैच अगेंस्ट चेन्नई, अगर आपको लगता है यस तो यस, नो तो नो, आप अपने दिल दिमाग को डेटा लगा के एनालिसिस कर सकते हैं और अपना ओपिनियन जो है वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा सवाल है कि विल द टॉस विनिंग टीम ऑप्ट टू बैट फर्स्ट? आपको क्या लगता है यहाँ पे होगा? क्योंकि जनरली हमने देखा है कि चेज करते हुए टीम यहाँ ज्यादा जीती है, तो उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं और अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगले सवाल पे अगर चले थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करते हुए, तो टीम बैटिंग फर्स्ट टू स्कोर 177 और मोर रन इन 20 ओवर्स, आपको लगता है कि आपका जो हमने स्टैट्स दिए हैं आपको ज्ञानकारी सेगमेंट में भी और ओवरऑल जो आपका एनालिसिस है वो सब बैठा के आपको लगता है कि यार 177 से तो ज्यादा बन जाएगा स्कोर, तो आप यस और नो उसके अकॉर्डिंगली अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स को कैसे इन्वेस्ट करना है? तो स्टॉक्स में सबसे पहले हमारे जो टॉप 3 पिक्स है वो मैं बता देता हूँ कौन सी है। तो सबसे पहली पिक हमारे लिए होंगे ऋषभ पंत, ऑब्वियसली बात है, मतलब ऋषभ पंत को तो रखना पड़ेगा ना, लास्ट मैच में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऋषभ पंत आपके लिए लॉन्ग जो है वो 40 रुपीज है, और उसके बाद शॉर्ट जो है वो 36 रुपीज। अगर आपको लगता है कि ऋषभ पंत 40 पॉइंट से ज्यादा यहाँ पर आपको निकाल कर देंगे अपनी फैंटेसी टीम में, तो आप श्योरली इनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि शॉर्ट 36 यानी कि 36 से कम पॉइंट स्कोर करेंगे ऋषभ पंत, तो आप शॉर्ट 36 पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल होंगे हमारे सेकंड पिक, जिनका लॉन्ग इज 46 रुपीज एंड शॉर्ट इज 42 रुपीज, एंड सेम गोज विद हिम। अगर आपको लगता है कि गेंद और बल्ले के मिला के भी वो 46 पॉइंट्स से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे या 42 से पॉइंट ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो आप शॉर्ट पे इन्वेस्ट करें, और लगता है कि ज्यादा कर पाएंगे 46 से, तो आप जाके लॉन्ग 46 पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देन द थर्ड प्लेयर जो कि तीसरा पिक है हमारा, वो है मिचेल मार्श। मिचेल मार्श का लॉन्ग इज 58 रुपीज एंड शॉर्ट इज 53 रुपीज, एंड सेम गोज विद हिम। जो भी ड्रिल आपने हमने डिस्कस करी है अभी, वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है। चलिए, ये तो हो गई स्टॉक्स की बात, पर जय आपने सुना क्या कि CSK वर्सेस DC फिक्चर में जो पहले भी हुए हैं उसमें एक बारी चेन्नई सुपर किंग्स ने DC के खिलाफ ही हाईएस्ट स्कोर रजिस्टर करा था, क्या वो था 222 यानी 222, और दिल्ली कैपिटल्स ने लोएस्ट एवर स्कोर भी रजिस्टर करा था। एक सेकंड, 83? हाँ भाई, अरे भाई, मतलब जो हाईएस्ट स्कोर है वो चेन्नई के नाम पे है और जो लोएस्ट स्कोर है वो डीसी के नाम पे भाई है। आज भी ऐसे कुछ होगा क्या? उम्मीद तो है, देखो डीसी की कॉम्बिनेशन कुछ सेट ही नहीं है, तो हो सकता है, बहुत बड़ी उम्मीद है इस चीज की, बहुत बड़ी उम्मीद है। और चेन्नई का स्कोर जो ओवरऑल हमने हेड टू हेड की बात की थी वहां भी ज्यादा ही था, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस था, तो ये डिफरेंस है उनके स्कोर्स में भी देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर में। तो वाजिब सी बात है यार कि इतनी ज्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, इतनी चैंपियन टीम कहीं पे खेलेगी तो उसके रिकॉर्ड थोड़े से भारी तो होने वाले हैं भाई साहब। तो अब इसके साथ साथ अब यहाँ पे ना मुफ्त का ज्ञान देने चलता था हमारे, क्योंकि यार हर चीज कह रहा है आजकल पैसे लगते हैं, लेकिन हम ज्ञान जो है, तो आप क्या दोगे आज ज्ञान? मुफ्त का ज्ञान इज इक्वल टू प्रेडिक्शन टाइम। सबसे पहले मुफ्त के ज्ञान में प्रेडिक्शन करना जी। तो यार डीसी की विनिंग परसेंटेज है सिर्फ 35 और चेन्नई की विनिंग परसेंटेज है 65 की, डिफरेंस देख रहे हो आप? 35 मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और मेरे को लगता है 35% क्यों दिया वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे 90-10 भी कर सकते थे, आपको दिक्कत नहीं होती? नहीं, मेरे हिसाब से 35 इसलिए क्योंकि पहले दो मैच तो हार गई और ऊपर से पहले दो मैचेस में भी कॉम्बिनेशन को इतना खास नजर नहीं आया। एग्जैक्टली, बैटिंग ऑर्डर में या गेंदबाजी ऑर्डर की भी अगर आप बात करो, ओवरऑल कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूजन से बाहर नहीं, कंफ्यूजन भरी पड़ी है पूरी। एग्जैक्टली, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। हाँ। और CSK के पास ऐसी कोई कंफ्यूजन है नहीं, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है हर जैसे, क्योंकि वहां थाला है। तो ऑब्वियसली बात है, आप CSK को कहां रखोगे, आप सबसे टॉप पे रखोगे,
और यही है, और उसके साथ साथ एक और मुफ्त का ज्ञान हमारी तरफ से, वो ये है कि एक और स्टॉक जो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, और वो है कुलदीप यादव का स्टॉक, जिनका लॉन्ग इज 37 एंड शॉर्ट इज 33। तो अगर आपको लगता है कुलदीप यादव जो है वो ओवरऑल पॉइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से 37 पॉइंट्स ज्यादा आपको देकर जाएंगे मैच में, तो आप उनके लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 33 से अगर आपको लगता है कम है तो कम पे जाके, शॉर्ट पे जाके यानी कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन उससे पहले जाने वाले थे मुझे पता है, लेकिन एक चीज और है, वो ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज जस्ट इन केस कुछ भी लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं आफ्टर द टॉस, वो सब अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। तो वहां पर जाके प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना, और उसके साथ साथ अपना जो सपोर्ट है वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी दिखाना, और जहां पे ये वीडियो अपलोड हुई है, जहां पे आप देख रहे हो वो है YouTube, तो जरा वहां पर भी सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ताकि हम आगे आपको जो भी वीडियोस लेकर आएंगे आप उनसे दूर ना रह जाए, आप वो मिस ना कर दें। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग CG Fantasy Strategy by Sports Bazi।